लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रेगुलर ग्रामर से डीएफए बनाना सीखा था, अब इसमें डीएफए से रेगुलर ग्रामर बनाना है। ये डीएफए गिवन है जिसमें हम इज कॉल टू सेट अप स्टेट, सेट अप टर्मिनल सिंबल, सेट अप ट्रांजिशन रूट, स्टार्ट स्टेट और सेट अप फाइनल स्टेट। इसका इक्विवेलेंट रेगुलर ग्रामर हमको हम लोगों ने सपोज किया है जी इज इक्वल टू सेट अप वेरिएबल, सेट अप टर्मिनल सिंबल एंड सेट अप प्रोडक्शन रूल एंड स्टार्ट वेरिएबल। हर एक ट्रांजिशन रूल के करेस्पॉन्डिंग एक प्रोडक्शन रूल यहाँ पे इंड्यूस होगा। अब यहाँ पे लिखा गया है इफ डेल्टा क्यू आई कॉमा ए इज इक्वल टू क्यू जे, क्यू जे डज नॉट बिलोंग्स टू एफ। मतलब ऐसा अगर आपको ट्रांजिशन रूल गिवन है तो उसके करेस्पॉन्डिंग यह प्रोडक्शन रूल इंड्यूस होगा। लिखा है ए आई इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल ए जे इज इंड्यूस्ड इन पी इफ ट्रांजिशन फंक्शन इज लाइक दैट। ध्यान देने वाली बात क्या है कि क्यू जे यहाँ पे फाइनल स्टेट नहीं होना चाहिए। तो बहुत सिंपल है, इसके करेस्पॉन्डिंग यहाँ पे वेरिएबल आ जाएगा और इसके करेस्पॉन्डिंग यहाँ पे वेरिएबल आ जाएगा और ये जो स्मॉल ए है जो एज पे लेबल होता है वो यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा रूल है कि अगर ये क्यू आई कॉमा ए इज इक्वल टू क्यू जे है जहाँ पे ये फाइनल स्टेट है तो यहाँ पे एक साथ दो दो प्रोडक्शन रूल इंड्यूस होंगे। ये ध्यान देने वाली बात है, जब ये फाइनल स्टेट होगा तो दो प्रोडक्शन रूल इंड्यूस होगा और जब ये नॉन फाइनल स्टेट होगा तो सिंगल प्रोडक्शन रूल इंड्यूस होगा। और कौन दो प्रोडक्शन रूल इंड्यूस होंगे, देखिए एक तो जैसा यहाँ था वैसा ही है और दूसरा एक एडिशनल हो जाएगा ए आई इज इंड्यूसिंग ए आई इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल। तो ये ध्यान देने वाली सिर्फ एक बात है कि अगर ये फाइनल है तो दो इंड्यूस होंगे, नॉन फाइनल है तो सिर्फ एक ही इंड्यूस होगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है, एग्जांपल में देखिए ये भी आपके बुक का एग्जांपल है, उसमें ये दिया गया है कि कंस्ट्रक्ट रेगुलर ग्रामर फॉर रेगुलर सेट, मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर्म में दे दिया गया है, ये कुछ नहीं है कटा हुआ है। ए एस्ट्रिक बी ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक, ये रेगुलर एक्सप्रेशन हमको दिया गया है और इसी रेगुलर एक्सप्रेशन के करेस्पॉन्डिंग हमें रेगुलर ग्रामर पता करना तो अब इसमें थोड़ा सा हम लोग को वर्क बढ़ गया है क्योंकि इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन में दिया गया है तो रेगुलर एक्सप्रेशन से पहले डीएफए बनाएंगे। डीएफए जब बन जाएगा तब हम रेगुलर ग्रामर उसका इक्विवेलेंट पता करेंगे। यहाँ पे हालांकि हमने डायरेक्ट उसका डीएफए लिख दिया है लेकिन कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन से डीएफए बनाते हैं वो आपको समझाया जा चुका है, वैसे ही बुक का एग्जांपल है देख सकते हैं वहाँ पे कैसे होता है। बड़ा वैसे भी बहुत सिंपल है, ए एस्ट्रिक है तो देखिए ए क्लोजर बन गया, फिर उसके बाद बी कॉन्टिनेंट है तो बी बन गया क्योंकि जिस पे क्लोजर नहीं लगा होता ऑप्शनल नहीं होता मैंडेटरी होता है तो निश्चित है एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाएगा। तो यहाँ पे बी एक बन गया और फिर यहाँ ए प्लस बी का क्लोजर है तो ए कॉमा बी का क्लोजर बना दिया गया, इसका इक्विवेलेंट डीएफए ये हो गया। क्वेश्चन में डायरेक्ट डीएफए भी देता है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकता है ना दे, इसी क्वेश्चन में रेगुलर एक्सप्रेशन दे देता है। अब जैसा क्वेश्चन रहेगा उस हिसाब से करना पड़ेगा, अगर रेगुलर एक्सप्रेशन दे दिया है क्वेश्चन में तो उसका पहले डीएफए बनाएंगे और डीएफए दे दिया है तो कोई बात नहीं है। अब आप यहाँ पे देखिए ए दो तीन कितने ट्रांजिशन रूल हैं यहाँ पे, वन टू थ्री एंड फोर, फोर ट्रांजिशन रूल है, इसमें दो है क्योंकि ए कॉमा बी लिखा है। तो चूंकि यह एक ट्रांजिशन रूल है जो कि नॉन फाइनल स्टेट पे जा रहा है, ये है फाइनल स्टेट पे जा रहा है तो यहाँ से एक मिलेगा और यहाँ से यहाँ पे वन मिलेंगे, यहाँ पे टू मिलेंगे तो कितना हो गया वन टू थ्री। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे टू ट्रांजिशन रूल है और दोनों बोथ आर गोइंग टू फाइनल स्टेट तो टू इंटू टू इज इक्वल टू फोर यहाँ से मिलेगा। तो हाउ मेनी प्रोडक्शन रूल वी गेट, फोर फ्रॉम हीयर, टू फ्रॉम हीयर एंड वन फ्रॉम हीयर, वन टू थ्री एंड फोर सेवन, टोटल सेवन प्रोडक्शन रूल मिलेंगे। तो काउंट कर लीजिए, देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, और मतलब जो भी प्रोडक्शन रूल जो भी ट्रांजिशन फाइनल स्टेट पे जा रहा है वहाँ से आपको कितने प्रोडक्शन रूल मिलेंगे टू, तो टू फ्रॉम हीयर एंड टू टू जा फोर फ्रॉम हीयर,
फोर एंड टू सिक्स एंड वन फ्रॉम हियर सेवन टोटल। तो दिस इज गिवन डी एफ ए एंड वी हैव सपोज दैट फॉर दिस गिवन डी एफ ए रेगुलर ग्रामर इज दिस वन, वेयर जी इज इक्वल टू, जी क्या है, सेट ऑफ वेरिएबल्स हैं, सेट ऑफ टर्मिनल सिंबल्स हैं, सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल है एंड स्टार्ट वेरिएबल है। स्टार्ट वेरिएबल इज ऑलवेज करस्पॉन्डिंग टू स्टार्ट स्टेट, क्यू जीरो के करस्पॉन्डिंग जो स्टार्ट वेरिएबल है ए जीरो। और यहाँ पे देखिए पहला वाला ट्रांजिशन जो कि नॉन फाइनल है, नॉन फाइनल पे जा रहा है, तो सिर्फ एक ही मिलेगा आपको, एक ही प्रोडक्शन रूल यूज होगा। क्यू जीरो से स्टार्ट होके क्यू जीरो पे जा रहा है, यानी कि ए जीरो से, ए जीरो इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल ए जीरो। दिस वन ना, दिस वन इज गोइंग टू फाइनल स्टेट, सो इट विल इंड्यूस टू डिफरेंट प्रोडक्शन। फर्स्ट वन इज फ्रॉम ए जीरो टू, फ्रॉम ए जीरो इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल बी ए वन, ए जीरो इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल बी ए वन। क्यों? क्योंकि क्यू जीरो से क्यू वन पे जा रहा है, इस नाते ए जीरो इज प्रोड्यूसिंग बी ए वन। सेकेंड वन प्रोडक्शन रूल इंड्यूस्ड बाई दिस ट्रांजिशन बिकॉज इट इज गोइंग टू फाइनल स्टेट, सो ए जीरो इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल, सिंपल, ए जीरो इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल। लुक दिस रूल, यहाँ पे देखिए दो प्रोडक्शन, यहाँ पे कुल टू ट्रांजिशन रूल है, क्यू वन से क्यू वन पे जा रहा है ए ट्रांजिशन के साथ, तो एक बनेगा ए वन इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल ए वन, और चूंकि फाइनल स्टेट पे जा रहा है इस नाते ए वन इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल ए भी बन जाएगा, ये बनेगा और ये बनेगा। उसी तरीके से ए वन इज प्रोड्यूसिंग बी ए वन और फाइनल स्टेट पे जा रहा है इस नाते ए वन इज प्रोड्यूसिंग बी बन जाएगा। ओके,